उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के लिए योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की नई पटकथा लिख रही है। एक ओर सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ प्रदेश की तरक्की को गति दी है, जिससे अब दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश को मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। वही प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेजी गति से मूर्त रूप दिया जाना है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का विकास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कुल 823 एकड़ क्षेत्र में इसका विस्तार होगा, जिसमें फैले मॉडल लॉजिस्टिक हब में से 455 एकड़ क्षेत्र को कोर एरिया के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 17.5 एकड़ क्षेत्र में कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज तथा 350 एकड़ क्षेत्र में रेल यार्ड और अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इन सभी कार्यों की पूर्ति और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सीएम योगी की मंशा के मुताबिक एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। सीएम योगी के विजन के मुताबिक तैयार की गई कार्य योजना दादरी में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को वर्ल्ड क्लास फ्रंट हैंडलिंग फैसिलिटी के तौर पर विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह ड्राई पोर्ट की तरह काम करेगा, जहां गुड्स और रॉ मटेरियल का तेजी से ट्रांजिट सुनिश्चित होगा। इस देश का चुनिंदा सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, जिसे 7,064 करोड़ रुपए के व्यय से पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश के पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर स्थित दादरी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कंटेनर हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग, डी स्टफिंग और स्टफिंग, साथ ही वैल्यू एडेड पैकिंग जैसी सुविधाओं के लिए सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन के तौर पर कार्य करेगा। रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़े होने के कारण रेल प्लेटफॉर्म, कस्टम क्लियरेंस, कार्गो सुपरेशन, ट्रक पार्किंग एरिया और हरित क्षेत्र जैसी सुविधा भी यहां होगी। दादरी में MMLH को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के जरिए विकास कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है, जिसे ग्रेटर नोएडा और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की मॉनिटरिंग में गाइडलाइन के अनुरूप पूरा किया जा रहा है। न्यू दादरी स्टेशन से MMLH बाउंड्री के लिए अप्रोच ट्रैक और रेल ओवर रेल ब्रिज के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मास्टर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया है। वहीं MMLH के अंतर्गत रेलवे टैक्स और टर्मिनल स्टेशन के विकास के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने DPR को स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार अप्रोच ट्रैक के लिए लैंड एक्वायरिंग और सिंगलिंग प्रक्रिया के लिए टेंडर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वहीं ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर, बाउंड्री रोड्स, कैनाल, ब्रिज, यूटिलिटी शिफ्टिंग, साथ ही जल एवं विद्युत आपूर्ति की प्रक्रिया को भी विभिन्न चरणों के कार्यान्वयन के जरिए पूरा किया जा रहा है।